देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहला जरा संबोधन किया और देश के खेतीबाड़ी मंत्री जी ने किसान जथेबंदियों पत्र एक पाया और वो अंदर उन्होंने उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम मिलना चाहो जिस दिन तुम बैठना चाहो ये गल असी गलबात करने सरकार तैयार है। ऐसा कि केंद्र की सरकार कोई भी कानून किसी एक स्टेट को ध्यान च रख के नहीं बना वो पूरा देश के संदर्भ देश के संदर्भ च देश की स्थिति के अनुसार उस कानून को बनाती है। इस करके इस गल के अंदर मेन तो इंटरस्ट यह होना चाहिए ना कि भाई यह जी चीज ठीक हो जाए तो साडा भला हो जाएगा और ठीक करा लेनी चाहिए। अगर किसान का हित और किसान की बेहतरी लिए अंदोलन है जब सरकार किसान की बेहतरी लिए हर वो उपराला करने लिए तैयार है हर शंका का निवारण करने लिए तैयार है तो फिर किसान जथेबंदियों को टेबल ते जान तो की गुरेज है। जेकर ये जिदनू छड़ना चाहिए ना खुला मन करना चाहिए अगर किसान उन्हां दा केंद्र बिंदु है अगर उन्हां दे एजेंडे दे अंदर किसान दी बेहतरी है किसान दा हित है तो फिर यह देखना चाहिए है कि उन्हां कानूनां च ऐसी किहड़ी कमी है जिन्हों असी ठीक कर लीए तो साढ़े किसान भरा दा भला हो सकता। सुखबीर बादल जी मैनू लगता कि बुखलाहट दे अंदर कुछ भी बोलना शुरू हो गया। यही सुखबीर बादल जी यही वड्डे बादल साहब ये कहिंदे कहिंदे नहीं थकदे सी कि पंजाब दे अमन और शांति की गरंटी बीजेपी है ते पंजाब दे पंजाबियों का अलग अलग वर्गों का बीजेपी दे प्रति विश्वास प्रकट करता है कि भारतीय जनता पार्टी दे अंदर हर वर्ग का हर जाति का हर पंथ का जिहड़ा पंजाबी है वो लगातार बीजेपी नू ज्वाइन कर रहा है। ये पंजाब दे अंदर बीजेपी दी चढ़त वल इशारा करता है और दूसरा बाकी राजनीतिक पार्टियां दे प्रति पंजाब दा पंजाबियां दा जिहड़ा मोह है वो भंग हो चुका है इस गल वल भी इशारा कर रहा है और समुचे पंजाब नूं नाल लैके पंजाब दे हित दी रक्षा करना पंजाब नूं मिलदा उहदा जिहड़ा हक है वो दवाना एक वधिया पंजाब बनाना ऐसा पंजाब जिहड़ा भ्रष्टाचार तो मुक्त होए ऐसा पंजाब जिहड़ा नशे तो मुक्त होए ऐसा पंजाब जिहदे अंदर लाइन ऑन आर्डर दी पोजिशन होए ये नहीं कि आए दिन घटनावां जिस प्रकार दियां वापरदियां मन नूं व्यथित करदियां सुरक्षित पंजाब बने जिहदे अंदर नौजवान होए चाहे गरीब होए चाहे अमीर होए चाहे दुकानदार होए चाहे दलित होए चाहे किसान होए सब नूं नाल लैके एक अच्छे पंजाब की कल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसे विचार तो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी नाल अलग अलग वर्गों के चाहे वह अफसर ने चाहे डॉक्टर ने चाहे इंजीनियर ने चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट ने चाहे व्यापारी ने चाहे खेत काम करने वाले ने चाहे मजदूर ने अज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे ने और उन्हों का मैं अज स्वागत भी करदा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे इलेक्शन जिहड़े ने कॉर्पोरेशन कमेटी दे इलेक्शन आ रहे ने और जिस तरह कितना कितना बीजेपी का विरोध हो रहा है लीडर का विरोध जिस पद्धति ते विरोध हो रहा है तां लगदा कि फ्रीली लोकां च जा पाओगे पार्टी सिंबल ते चुनाव लड़ोगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति दे नाल झूंझन लई तैयार है सानू अपने कार्यकर्ता दे उते अपने नेतावां दे उते अपने विचार दे उते उन्हां दा जिहड़ा समर्पण है उहदे ते पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे दम नाल पूरी ताकत दे नाल नगर निगम नगर पालिका दे चुनाव लड़ेगी। रही गल विरोध करन दी राजनीति दे अंदर लोकतंत्र दियां खूबसूरतियां भी हैगियां लेकिन वो खूबसूरतियां खूबसूरत बनिया रहन ये बाकी जिहड़े लोग इन्हां गल्लां नूं शह दिंदे ने
उन्होंने भी आवाज आना चाहिए, राजनीति दे अंदर आवाज इस करके आना चाहिए कि हर पक्ष नू अपना विचार रखन दा अधिकार है। किसे दी आवाज नू, किसे दे विचार नू इस प्रकार दे तरीके अपना के रोकया नहीं जा सकता। ये पंजाब दा समुचा पंजाबी भी इस गल नू देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दे नेतावां नू 10-15-20-50 लोग इकट्ठे होके जिस प्रकार दा वातावरण पैदा कर रहे ने, ये क्या पंजाबी नहीं देख रहा? पंजाब दे लोग ही नहीं देख रहे? क्या वो पसंद कर रहे ने? अरे जनता जनार्दन है, जनता ईश्वर है, सानू अपना विचार रखन दिओ, तुसी अपना विचार रखो अपनी अपनी पार्टी का। जनता तय करेगी ना कि किदा विचार ठीक है, किहदी पार्टी की दिशा ठीक है। हाँ बिल्कुल, पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़े। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहला जिहड़ा संबोधन किया और देश के खेतीबाड़ी मंत्री जी ने किसान जथेबंदियों पत्र एक पाया और वो अंदर उन्होंने उन्होंने कहा कि जिस दिन तुसी मिलना चाहो, जिस दिन तुसी बैठना चाहो, ये गल असी गलबात करन नू सरकार तैयार है। और ये अंदर तुसी लोगों ने लगातार मीडिया ने इस अंदोलन नू कवर किया, चाहे वो पंजाब के अंदर हो रहा चाहे दिल्ली के अंदर हो रहा। मेरी तुहानू ये बेनती है कि पंजाब च जदों ये अंदोलन शुरू होया, ये 2-3 मंगां दे इर्द गिर्द ये अंदोलन सी। MSP दे उत्ते उन्हां नू शक सी मंडियां खत्म हो जाणगियां, सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, जां SDM कोर्ट की जगह न्यायालय के अंदर भी जाण दा अधिकार रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने इन्हां सब शंकावां नू एड्रैस करता और उहदे अंदर बदल करन दा भी संकेत इन्हां नू अच्छे तरीके दे नाल पत्र दे द्वारा देता, प्रस्ताव भेज के देता। फिर अज एक प्रश्न पैदा होंदा कि फिर अंदोलन क्यों? ये प्रश्न तुहाडे मन च भी पैदा होना चाहिए। सवाल ये है कि अगर किसान का हित है, अगर किसान का हित और किसान की बेहतरी लई अंदोलन है, जब सरकार किसान की बेहतरी लई हर वो उपराला करन लई तैयार है, हर शंका का निवारण करन लई तैयार है, तो फिर किसान जथेबंदियों नू टेबल ते जान तो की गुरेज है? ये उन्हां दे अंदोलन लई भी अच्छा है, पंजाब लई भी अच्छा है, पंजाब दे भाईचारे लई भी अच्छा है, क्योंकि कुछ चीज़ कुछ ताकत ऐसी हैं जिन्हां नू पंजाब दा अमन और शांति चंगा नहीं लग रहा। ऐसा है कि इसमें एक कहन नाल नहीं ना होना, कारण है कि कोई चीज़ बनी है देखना, ये जिद नू छड़ना चाहिए ना, खुला मन करना चाहिए। अगर किसान उन्हां दा केंद्र बिंदु है, अगर उन्हां दे एजेंडे दे अंदर किसान दी बेहतरी है, किसान दा हित है, तो फिर ये देखना चाहिए है कि उन्हां कानूनां च ऐसी किहड़ी कमी है जिन्हों असी ठीक कर लिए तो साढ़े किसान भरा का भला हो सकता है। ऐसा है कि केंद्र की सरकार कोई भी कानून किसी एक स्टेट नू ध्यान च रख के नहीं बनाती, वो पूरा देश के संदर्भ च देश की स्थिति के अनुसार उस कानून नू बनाती है। इस करके इस गल दे अंदर मेन तो इंटरस्ट यह होना चाहिए ना कि बई यह जी चीज़ ठीक हो जाए तो साडा भला हो जाएगा, उन्होंने ठीक करा लेनी चाहिए। ऐसा है कि कोई IT सैल वालों मेरे ध्यान च कल ही आया, उस वेले वापस ले लिया, उत्थे किथे वो चूक हुई है इहदा अजे मैं पूरा नहीं मैं पता करदा। ऐसा है कि सुखबीर बादल जी मैनू लगता है कि बुखलाहट के अंदर कुछ भी बोलना शुरू हो गए। यही सुखबीर बादल जी, यही वड्डे बादल साहब
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ 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 जवाब देना। मेरा 3 महीने दे अंदर तुसी कोई बयान पार्टी का अधिकृत बयान जड़े हो देख लो। पार्टी का अंदोलन किसानों का, पार्टी ने कभी नहीं कहा कि अंदोलन किसानों का नहीं है। लेकिन कुछ ताकत इस अंदोलन की आड़ के अंदर यदा लाभ ना उठा, ये वाल असी बार बार उन्होंने संकेत दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि ये पंजाब ने बड़ा संताप से है अमन और शांति। और जरा तुसी जाके एक बारी ना जड़ी गल मैनू पूछ रहे हो ना, एक बारी पंजाब च घूम के आओ। जो वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या वो पंजाब के भाईचारे और पंजाब की एकता और अखंडता लिए ठीक है? मेरा यह है कि उन्हें तो संचेत रहना चाहिए। T5 चैनल पंजाबी हमें सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।